हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेंडिंग फ्लेवर्स। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू गेव टू अवर लास्ट वीडियो ऑफ गड़बड़ आइसक्रीम। आज हम बनाने वाले हैं हांडवा, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हांडवा बनाने के लिए हमें चाहिए, हांडवा बनाने का जो आटा आता है उसे लेंगे एक बाउल, फिर उससे आधा गेहूं का आटा जो मोटा वाला होता है वो, फिर लेंगे तेल, दही और गुनगुना पानी और थोड़े से मेथी दाने। सारी चीज़ों को एक पतीले में मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इस तरह से मेथी दाने डाल के उसे ठीक से मिक्स कर लेंगे। मेथी दाने से फर्मेंटेशन आएगा और जो भी बैटर तैयार होगा उसे हमें 6 आवर्स के लिए रेस्ट करना है ताकि बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन आ जाए। अब हम लौकी लेंगे, मिर्ची, लहसुन, अदरक और नींबू, फ्रूट सॉल्ट और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करके बैटर में डाल लेंगे। फिर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर 1 टेबल स्पून फ्रूट सॉल्ट, मिर्ची और अदरक की पेस्ट, फिर 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नींबू का रस। सारी चीज़ों को ठीक से मिक्स करेंगे। वैसे तो हांडवा गुजरातियों की फेवरेट डिश होती है, तो आप कभी भी बना के इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। फिर हम एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल लेंगे। फिर जिस पैन में हमें हांडवा बनाना है उसमें हम इस तरह से तेल लगा के स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा हांडवा नीचे से चिपके नहीं। जितना तेल स्प्रेड करना है उतना लेंगे। इस तरह से स्प्रेड कर देना है सारी साइड्स में, यानी कि हांडवा चिपके नहीं। फिर उसमें सारा बैटर डाल लेंगे। जो तेल गरम होने के लिए हमने रखा था उसमें रई डाल लेंगे, यानी कि मस्टर्ड सीड्स 1 टेबल स्पून। फिर डालेंगे रेड चिली, कड़ी पत्ता, फिर लहसुन। लहसुन की हम पेस्ट बनाएंगे, फिर डालेंगे, फिर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हींग, फिर तिल डालेंगे यानी कि तल, फिर रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून। वैसे तो हमने बैटर में भी रेड चिली पाउडर डाला है, पर तीखा आप अपनी तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो भी तड़का हमने तैयार किया है उसे इस तरह से बैटर पे डाल लेना है। हम ट्रेडिशनल तरीके से हांडवा बना रहे हैं इसलिए हम सगड़ी पे बना रहे हैं, तो उसमें 1 आवर एंड 15 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उतना ही टाइम गैस पे भी लगता है, पर सगड़ी में बने हुए हांडवे की फ्लेवर और खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको हांडवा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।